शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जुग जुग जियो बच्चों, खुश रहो, भगवान तुम्हें खूब लंबी उम्र दे। हाँ, तू भी आजा बेटा, खूब फूलो फूलो, अब आ जाओ। संभाल के बेटा। अच्छा, तुम हर 2-3 घंटे में वॉशरूम जाती हो? नहीं तो बेटा तुम्हें बहुत परेशानी होगी। काली चाय पिया करो और ज़्यादा दवाइयाँ मत लेना, समझी? जी नानी। 40 दिन तक तुमको आईना नहीं देखना है, और जब 40 दिन बाद देखोगी तो तुम्हें बहुचरा माँ नज़र आएगी, तब तक कोई आईना नहीं। हाँ। अच्छा, भगवान का ध्यान करती हो, माला जपती हो? देखना तुम्हारे जलसे में बहुचरमा तुम पे कैसी राजी होती है। वो अपने चुने हुए किन्नरों पे ही राजी होती है, और मुझे पता है उनमें से तुम एक हो। जय माता दी नानी। आज मेरी बहुचरा माँ तुम्हें आशीर्वाद देगी। पी ले बेटा, और इसे एक ही घूट में खत्म करना। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बॉटम अप। पी ले। बेटा अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। क्या तुम्हें अपने चेहरे में बहुचरा माता का चेहरा नजर आता है? बोलो बहुचरा माता की जय।
कौन अपना होमवर्क करके नहीं आया है? सन 1897 ब्रिटिश राज में किन्नरों को गुनेगार करार कर दिया गया था। उसके बाद किन्नरों ने अपना खुद का एक नया समाज बनाया और अपनी परंपराओं की रचना की। उनकी लीडर जो उनकी गुरु कहलाती थी, वो उनको अपने बच्चों की तरह पालती पोसती थी और उनकी मानसिक और आर्थिक रूप से सहायता भी करती थी। आशा, ओ आशा, आशा, उसके बाद किन्नरों ने अपनी खुद की एक भाषा भी बना ली थी जिसको हम हिजरा फारसी कहते हैं, ताकि वो अपने समाज को इकट्ठा रख सके और अंग्रेजों से बच भी सके। आशा, ओ आशा, उठ जा बेटा। आशा बेटा उठ जा, चल थोड़ी चाय पी ले, दोपहर हो गई है। ये नींद में क्या बड़बड़ा रही थी तू? अंग्रेज, समाज, किन्नर, क्या है ये सब? नानी, मुझे सपना आया था कि मैं एक टीचर हूँ। रूपाली अच्छा? मासी और बाकी सबको मैं हमारे बारे में हिस्ट्री पढ़ा रही थी। ओ। मतलब इतिहास। हो हो हो। अच्छा, रूपाली तुम्हें हमारे मेन मेन यजमानों से मिलाएगी, वो हमारे अन्नदाता है बेटा। और तुम इस घर से, याद रखना, बाहर हम किसी के सामने ऐसे कपड़े नहीं उठाते, हम इज्जत से आशीर्वाद देते हैं बेटा, समझी? जी नानी। क्या हम सजनी को भी साथ ले जा सकते हैं? नहीं नहीं, अभी वो तैयार नहीं है, कल बहुचारा माँ ने उसको कोई दर्शन वर्शन नहीं दिए। लगता है बिजली का खास दूत उसे हजम नहीं हुआ है, देख अभी तक सोई पड़ी है। नानी, आप बिजली मासी को कैसे जानती हो? हम बचपन से इसी घर में बड़े हुए हैं। 8 साल की उम्र में हम घर से भागे थे दोनों। हमारे जमाने में बचपन में ही हमारे माँ बाप आके यहाँ छोड़ते थे। क्या बिजली मासी भी हमारी तरह बड़े घर में रहती है? वो अपना खुद का काम करती है और यही कहीं शांति नगर में झोपड़पट्टी में रहती है, पर वो खुश दिखती है। अच्छा चल उठ, जल्दी से उठ, ब्रश कर, नाश्ता कर ले, हमें मंदिर भी जाना है, ऐसे तो सवेरे पूजा से पहले ही जाना था, चल उठ। सुन, ये सब काम ना पहले घर पे ही होता था अपने हाथ से, बिजली भी यही काम करती थी, दूर दूर से लोग आते थे उसको बुलाने। बिजली मासी? हाँ, तू क्या समझ के रखी है बिजली को? अच्छा छोड़ सब, उठ जा चल। कैसे हैं नरोत्तम सेठ जी? सब ठीक है? मालिक आपको खुश रखे, हमेशा आपके काम धंधे में बरकत। अच्छा रहो माता रानी, अच्छे से रखे, खूब रोजी पानी में बरकत दे मेरी बहुचर माँ। माता रानी करे भला हो। जो लोग हमें पैसा देते हैं ना, उन्हें खूने दिल से आशीर्वाद देना चाहिए। वो हमारे आशीर्वाद के लिए हमें पैसे देते हैं और ये हमारे गिव एंड टेक का बिजनेस है बेटा, समझी? चल। नमस्ते सेठ जी, भाभी कैसी हैं? भाभी ठीक हैं। क्या रूपाली मौसी, अब तो कोई ग्राहक भी नहीं, फिर भी आप बख्शीश मांग रही हैं? अरे हम आएंगे तो ही ग्राहक आएंगे ना। ये क्या 50 रुपया? इसमें से 50 रुपए वाले ही ग्राहक आएंगे क्या? सेठ जी आप 50 रुपए दे रहे हो, कुछ बढ़ा के तो दो। माता रानी तुमको अच्छा रखे, खूब रोजी पानी में बरकत दे, आपके बच्चों की लंबी उम्र हो। नमस्ते सेठ जी, आपके बिजनेस में बरकत हो, आपके बाल बच्चे खुश रहें। चलो सायद से बिजी है सेठ जी, चलो। केम छो काका? मजा मचो। काकी कैसी है? काकी अच्छी है। अच्छी हाँ। है कुछ है खबर यहाँ पे, बच्चे की, शादी की, किसी की कुछ खबर? नहीं, नहीं ऐसी कोई खबर नहीं। 44 नंबर मकान में एक लड़का हुआ है। 44 नंबर में? हाँ 44 नंबर।
ये लो जियो। सुन आशा, कल ना तुझे एक बहुत अच्छी रस्म देखने को मिलेगी, बधाई की। बहुत अच्छे से तैयार होकर आएंगे, ठीक है? चल। यही है ना चवाले? हाँ हाँ यही है। खोलो। मम्मी, मम्मी। चलो। बधाई हो मम्मी जी, बधाई हो। मम्मी जी आ जाओ। अरे ओ रूपाली मासी। नमस्ते। आप कहाँ थी अब तक? मैं आपको ही बुलाने वाली थी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखो अब मैं आपसे दुगनी बधाई लेने वाली हूँ। क्यों भाई क्यों? क्योंकि बहुचरा माँ खुद आई थी हमारे पास आपके बच्चे को दुआ देने के लिए। हाँ चलो बताओ। रूपाली मासी, मुझे लगता है हमें भी चाय की टपली खोल लेनी चाहिए, हमसे ज़्यादा तो ये लोग कमाते हैं। भगवान राम को तो वापस आना ही पड़ेगा लगता है, हमें कोई अच्छा काम देने के लिए। ये बधाई, टोली घूमना, धूप में जाना, मुझसे नहीं होता अब। लेकिन मासी, तुम मुझे जुई और चमेली के साथ डांस ज्वाइन करने देते तो शायद से हम ज़्यादा कमा लेते। देख बेटा, ये तो तू कर सकती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर हाँ नानी के घर वापस नहीं जा सकती। हमारी जमात में धर्म कांड और वो कांड अलग करके रखा है ताकि सबकी भलाई हो, समझी? आज रात तू मुझको तेरा सॉन्ग दिखा देना, फिर उसके बाद में तेरा करियर डिसाइड मैं करूंगी। छोटी सी थी मैं घर की गुड़िया, घर की गुड़िया। रूपाली मासी। हाँ। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? हाँ दे रही हूँ, बैलेंस नहीं है ज्यादा, ये ले। जय सियाराम। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? पापा मैं आशीष, अब लोग मुझे आशा कहते हैं। पापा मैं भी लोगों को आशीर्वाद देने का धर्म का काम करती हूँ, नए शादीशुदा जोड़ों को, नन्हे बच्चों को, दुकानदार और सभी धार्मिक लोगों को आशीर्वाद देती हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा। शायद आपने गलत नंबर डायल कर दिया है बेटा। छोटी सी थी